1857 से 1947, 90 साल का युग। इन 90 ईयर्स में कुछ ऐसा हुआ कि अंग्रेज़ों को भारत छोड़ के भागना पड़ा। ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपनी इच्छा से भारतवासियों को वो सत्ता दी, बल्कि ये उनकी मजबूरी बन गया था। बहुत सारी इवेंट्स हुई, तो आइए आज उसके बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं 1857 की क्रांति से। मंगल पांडे जो एक ब्राह्मण थे, उस समय अंग्रेजों ने ऐसी कारतूस थी जिन पे सुअर की या गाय की चर्बी लगी होती थी और उसे मुंह से खोलना पड़ता था। जो सैनिक थे उनमें पंडित भी थे, मंगल पांडे, तो वहाँ से चिंगारी भड़की। लेकिन इसका कारण वो चीज़ नहीं थी, बल्कि वो था जो इसकी परिस्थितियाँ पैदा हो रही थी या की जा रही थी बहुत सालों के द्वारा। खैर, हम स्टार्ट करते हैं 1857 के बाद। 1857 में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई, और वो ये थी कि भारत में शासन पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, लेकिन 1857 के बाद ब्रिटेन की सरकार, जो क्राउन गवर्नमेंट थी वहाँ पे, उन्होंने शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली, कंपनी के अधिकारियों को छुट्टी दी और उनको वापस बुला लिया कि भैया तुम आ जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं रही। तो वो चले गए। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो जैसे गवर्नेंस चल रही थी उसको पूरी तरह से ढांचा बदल नहीं सकते थे, बिकॉज अल्टीमेटली भारत के लोगों को पता था कि ये एक दूसरी नस्ल है जो हम पे राज करती है। खैर, तो उन्होंने जो शासन व्यवस्था थी उसको वैसे ही रहने दिया, कंपनी का शासन खत्म कर दिया, कुछ चेंजेस किए। पहला ये था कि गवर्नर जनरल का जो पद था उसको ख़त्म कर दिया कि हमें गवर्नर जनरल की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने कहा कि भैया आपको बेरोजगार नहीं करेंगे, तो लॉर्ड कैनिंग को बना दिया वायसराय। वायसराय की पोस्ट दी गई। वायसराय वो था जो भारत में सरकार का प्रतिनिधि था। एक और पोस्ट बनाएगी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो वहाँ की संसद में बैठता था ब्रिटेन की, जो भारत के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। और जो लॉर्ड कैनिंग थे, पहले वायसराय और लास्ट गवर्नर जनरल, तो जब लॉर्ड कैनिंग आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो अफरा तफरी का माहौल है और हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि पावर से इसको ख़त्म किया जा सके, चीज़ों को मतलब अच्छा किया जा सके। बहुत ही जनभावनाएं भड़की हुई है और अंग्रेज़ों की जो जनसंख्या थी वो बहुत ही कम थी। तो उन्होंने एक स्ट्रैटेजी अपनाई कि इंडिया में भारत के लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि दूसरी नस्ल उन पे हुक्म चला रही। तो जो लॉर्ड कैनिंग थे उन्होंने पहले जो कंपनी के जो रूल चल रहा था, तो एक प्रथा चल रही थी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो राजा निसंतान मरता था उसके राज्य को अंग्रेजी जो सत्ता थी वो अपने में मिला लेती थी। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने इसे ख़त्म कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा, आप किसी रिश्तेदार को बिठाओ या किसी और को बिठाओ, और फिर भी अगर कुछ ना हो तो आप अंग्रेजी शासन से मदद कर सकते हो। वो आपको अधिकारी देंगे लेकिन वो परमानेंट नहीं देंगे, वो कुछ समय तक होंगे, वो वेतन लेंगे और वो चले जाएंगे। और ये काफ़ी हद तक बहुत बढ़िया डिसीजन था
अंग्रेजों के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा पहले होता तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बहुत सारी चीज़ें नहीं होती। खैर, उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म किया और दूसरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी, कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, तीन जगहों पे, कलकत्ता, बॉम्बे यानी कि मुंबई, मद्रास, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज ओपन की गई। और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में जो यूनिवर्सिटीज ओपन की गई वो इंडियंस हो या फिर अंग्रेज हो, कोई भी उसमें पढ़ सकता था। और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 उन्होंने पास किया। अब इस एक्ट में क्या था ये हम पढ़ेंगे, पहले हम एक क्रोनोलॉजी बना के चल रहे हैं। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन आए, लेकिन लॉर्ड एल्गिन का ऐसा कोई इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है जो हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम उनके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। पहले आए लॉर्ड कैनिंग, 1862 तक लॉर्ड कैनिंग यहाँ पे रहे थे हमारे बीच। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 पास हुआ था लॉर्ड कैनिंग के समय में, और उसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी अंग्रेजों की उसको ख़त्म कर दिया था। इसके अलावा कैनिंग ने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर थे वो इंट्रोड्यूस करवाए थे यहाँ पे, उसके पहले ऐसा कुछ भी नहीं। सेकंड सेकंड जो हमारे काम की चीज़ है वो लॉर्ड लॉरेंस। तो लॉर्ड लॉरेंस के काल में क्या हुआ था कि हाई कोर्ट्स ओपन हुए थे। देखिए तीन प्रेसिडेंसीज थी, मद्रास, कोलकाता एंड बॉम्बे, जो ज़्यादा चीज़ें होगी यहीं पे होगी। तो 1865 में हाई कोर्ट्स ओपन किए गए इन तीन जगहों पे, और इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 1865 में बनाया गया लॉर्ड लॉरेंस के समय में। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड लॉरेंस जो कि हमारे काम की चीज़ है। लॉर्ड लॉरेंस के बाद में आ गए लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो के बारे में एक अनफॉर्चुनेट तथ्य ये है कि लॉर्ड मायो जो थे वो एकमात्र वायसराय थे जिनको कत्ल कर दिया गया था उनके शासनकाल में और ऑन द ड्यूटी। तो लॉर्ड मायो ने क्या किया कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहा इंडिया का, कुछ एक्ट बने थे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लॉर्ड मायो ने फर्स्ट सेंसस आयोजित करवाया था जनगणना 1871 में, जो कि ऑन द पेपर नहीं था, मतलब कि वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं था, वो लॉर्ड जो मायो था, लॉर्ड मायो ने करवाया था। और उसका रीज़न भी था कि वो जानना चाहता था कि कितने लोग किस कम्युनिटी के कहाँ रहते हैं, जब यानी कि कोई आंदोलन हो ताकि उनको पकड़ा जा सके या उसके हिसाब से नीतियाँ बनाई जा सके। तो लॉर्ड मायो की टेक्निक थी और बहुत अच्छी टेक्निक थी।
तो बस यही चीज़ें हुई थी लॉर्ड मायो के शासनकाल में। तो अभी तक हमने पढ़ा लॉर्ड कैनिंग, लॉरेंस एंड मायो। लॉर्ड कैनिंग ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म किया और लॉर्ड कैनिंग के समय में एक्ट पास हुआ था 1861 में, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और स्कूल्स ओपन हुए थे 3 जगह पे, मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकटा। आई होप ये क्लियर है। उसके बाद लॉर्ड लॉरेंस आ गए। लॉर्ड लॉरेंस के समय में 1865 में हाई कोर्ट्स ओपन किए गए, कहाँ पे? मद्रास, बॉम्बे एंड कोलकाता, तीनों जगहों में। इसके अलावा लॉर्ड लॉरेंस ने इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बनाया था, ये इंपॉर्टेंट चीजें थी। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉर्ड मायो। तो इसका अनफॉर्चुनेट पॉइंट ये है कि ये एकमात्र वायस रहे जो ऑन द ड्यूटी जिसको मार दिया गया था। लॉर्ड मायो ने जो काम किए थे उनमें से बहुत ही सिग्निफिकेंट था। 1871 में लॉर्ड मायो ने अनऑफिशियल स्टेटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया करवाया था। और इसके अलावा फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन के लिए मायो ने वर्क करना स्टार्ट किया था। तो आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है, मायो के बाद हम पढ़ेंगे लॉर्ड लिटन। तो देखिए लॉर्ड लिटन का कुछ ऐसा था कि वो कुछ सनकी टाइप का इंसान था कह सकते हैं। तो जो लॉर्ड लिट्टन था उसको कहते हैं वायसराय ऑफ रिवर्स कैरेक्टर्स। बहुत अच्छा इम्प्रेशन नहीं था लॉर्ड लिट्टन का, लेकिन लॉर्ड लिट्टन ने ही 1977 में दिल्ली में ग्रांड दरबार का आयोजन किया था ताकि जो क्वीन थी इंग्लैंड की उसको केसरे हिंद की उपाधि दी जा सके। दिखाओ 1877 में। इसके अलावा 1877 में ऐसा हुआ कि जैसे अब भी होता है कि उसमें बहुत खर्चा हो गया, भारतीयों की भावनाएं, बहुत सारी चीज़ें उछल के आई। तो यहाँ पे न्यूज़पेपर ऐसे थे, कुछ न्यूज़पेपर ऐसे थे जो मतलब इंडिपेंडेंटली लिख देते थे अपने विचार। तो उनके लिए 1878 में वर्नेकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया। तो इसमें यह था कि जो प्रेस था उसकी स्वतंत्रता को कर्व कर दिया गया। जो इंग्लिश में ही न्यूज़ चलेगी, जो ऑफिशियल न्यूज़पेपर होगा वही पढ़ा जाएगा, और भारतीयों को इंग्लिश ज़्यादा आती नहीं थी, लेकिन फिर भी कई न्यूज़पेपर ऐसे थे जो रातों रात उन्होंने मतलब हिंदी से इंग्लिश में चेंज हो गए थे। इसके अलावा आर्म्स एक्ट उसने पास किया। आर्म्स एक्ट में लिट्टन ने ये शर्त रखी थी कि जितने भी आर्म हैं, जितने भी कट्टे हैं उसको रजिस्टर करवाइए और बिना लाइसेंस के आप कुछ भी गन नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये चीज़ आप पर लागू नहीं होती है। ये 1878 में, 1878 के आसपास ये वाला एक्ट आया था। इसके अलावा लिट्टन ने सॉल्ट टैक्स लागू किया था और उसने फ्री ट्रेड पॉलिसी को सपोर्ट किया था
और बहुत सारी इम्पोर्ट ड्यूटीज जो थी उनको ख़त्म किया था, जो कि यानी कि अंग्रेज़ बाहर से आएंगे यहाँ पे, लूटो जितना लूट सकते हो भारत को और जाओ। देखिए जो लॉर्ड लिट्टन था, बहुत अच्छा शासक नहीं था, बहुत अच्छा इम्प्रेशन नहीं था। उसके बाद जो आए थे वो थे लॉर्ड रिपन। रिपन को कहा जाता है फादर ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। तो जैसे ही भैया रिपन आए, तो उन्होंने कहा कि लिट्टन का जो एक्ट था 1878 में, उन्होंने 1882 में उसको ख़त्म कर दिया कि ये तो गलत है। और उसने ये सोच देखा कि भारतीयों की संख्या बहुत ज़्यादा है और ये तो अगर अटैक कर दे तो हमारा तो कुछ नहीं रहेगा, हमें तो भागना पड़ेगा। तो उसने किया कि जो जनमानस है उसका विश्वास कैसे जीता जाए, तो उसने एक फैक्ट्री एक्ट 1881 में ले आया वो लॉर्ड रिपन। उस एक्ट में ये था कि जो महिलाएं थीं वो 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगी और जो मर्द थे वो 12 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करेंगे, और जो बच्चे हैं 7 साल से कम एज के बच्चे फैक्ट्रियों में काम नहीं करेंगे। और वो भावनाओं में थोड़ा और आगे बह गए जब उनको सपोर्ट मिला। उन्होंने लिबर्टी बिल 1883 में पास कर दिया। उसमें यह था कि भारतीय कोई न्यायाधीश है तो वो अंग्रेजी कोई प्रिजनर है, क्योंकि ऑफ कोर्स होगा ही, अंग्रेज़ की जनता यहाँ रहने लग गई थी इंग्लैंड में। अगर अंग्रेजी कोई प्रिजनर है तो भारत का जो जज है वो उस पर फैसला दे सकता है। इसका विरोध हुआ, इसको विड्रॉ कर लिया गया और लॉर्ड रिपन जो था वो सबसे पॉपुलर वॉइस रहा था जितने भी अंग्रेजी शासन ने भेजे थे। लेकिन इसके बाद उसको बुला लिया गया कि भाई आप तो सिंपैथी कंपैशन बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके चल दे हो, आप वापस आ जाओ, ये हमारे लिए खतरा है। फिर आ गया लॉर्ड डफरिन का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये है कि उसके कार्यकाल में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्थापित हुई। फिर आता है हमारा लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन जो था उसने इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में पब्लिश किया था, और लॉर्ड लैंसडाउन ने ही डूरंड कमीशन को स्थापित किया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में लाइन बनाने के लिए, मतलब डिफाइन करने के लिए लाइन। उसके अलावा लैंसडाउन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं था। उसके बाद आ जाते हैं हमारे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने 1899 में इंडियन क्वाइनेज और पेपर करेंसी एक्ट पास किया। इसके अलावा एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1904 में दिया, ताकि भारत की जो कल्चरल हेरिटेज है वो प्रिजर्व रह सके, ये लॉर्ड कर्जन ने किया था। और लॉर्ड कर्जन ने ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एस्टैब्लिश किया था। इसके अलावा लॉर्ड कर्जन ही रिस्पॉन्सिबल था बंगाल का विभाजन कराने में, ईस्ट बंगाल और असम जिसको कहा जाता है। कर्जन ने ही इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 का लाया था, और इसी एक्ट के कारण जितनी भी यूनिवर्सिटी थी भारत की वो गवर्नमेंट के अंदर चली गई थी, गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी। तो देखिए ये जो अंग्रेज़ थे कुछ अच्छी चीज़ें करते थे कुछ बुरी चीज़ें, यानी कि बैलेंस बना के रखते थे, और लॉर्ड कर्जन इसका जीता जागता उदाहरण है था।
लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार 1909। इसके अलावा सूरत स्प्लिट जो हुआ था, जहाँ पे गर्म दल नरम दल दोनों अलग हो गए थे 1907 में, इसके टाइम पे हुआ था, मिंटो के टाइम। मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में इसके समय। और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909, जिसको कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार, वो इसी के शासनकाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। और श्याम जी वर्मा के द्वारा इंग्लैंड में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। अब बात करेंगे लॉर्ड हार्डिंग की। लॉर्ड हार्डिंग का सबसे बड़ा हार्ड काम जो इन्होंने किया है वो ये है कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी 1911 में ट्रांसफ़र कर दी। और दूसरा जो है, देखिए अंग्रेज़ों का ये था, पहले कोई करता था दूसरा उसके ख़त्म करके चला जाता था। जैसे कि हमने मायो और लिट्टन के साथ देखा था, तो बंगाल का विभाजन हुआ था, कर्जन ने किया था, हार्डिंग ने ख़त्म कर दिया। और दिल्ली दरबार हार्डिंग के टाइम पे 1911 में आयोजित किया गया, जो किंग जॉर्ज फाइव थे, पांचवा, उसका कॉरोनेशन यानी कि ताजपोशी के लिए। इसके अलावा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी बहुत हार्ड काम था 1911 में, दिल्ली दरबार का आयोजन करना। पहला जो दिल्ली दरबार हुआ था वो किसने किया था, वो किया था लिट्टन ने। अठारह सौ सतहत्तर में, ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। लिट्टन ने 1877 में किया था और 1911 में किया था, लॉर्ड हार्डिंग ने बहुत ही हार्ड काम किया था। अब आप कहोगे हार्ड काम क्यों, बिकॉज वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने वाली थी उसी के समय, उसके पहले किया था उसने। लॉर्ड चेम्सफोर्ड मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हो गया। अगस्त डिक्लेरेशन 1917 की, जिसमें ये बात थी कि इंडियन गवर्नमेंट की जो भी पावर्स हैं वो इंडियंस को ट्रांसफ़र हो जाएगी। रॉल्ट एक्ट पास हुआ चेम्सफोर्ड के समय, और जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई। और 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए, और चेम्सफोर्ड ने सेटलर कमीशन 1917 में स्थापित किया, ताकि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको मतलब सुधार करने के लिए। चेम्सफोर्ड गया, रीडिंग आया, तो रीडिंग के समय में कांग्रेस का ही जो अहमदाबाद सेशन था 1921 का आयोजित हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, चौरी चौरा घटना हुई, और उसने ही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सप्रेस किया था। ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत है। इसके अलावा लॉर्ड रीडिंग गया, इरविन आ गया। इरविन के समय साइमन कमीशन यहाँ पे आया था, जिसके कारण बहुत सारा हो हल्ला हुआ था, लेकिन उसको रोका नहीं जा सका। इरविन के समय गांधी इरविन पैक्ट 1931 में साइन हुआ था, और साइन होने के बाद जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट थी, जो नमक सत्याग्रह जिसमें आता है, वो रोक दी गई थी। उसके बाद हमारे पास आते हैं लॉर्ड विलिंगटन।
लॉर्ड वेलिंगटन के समय इनको एक विल थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1900 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास करवाना ही है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस जो हुई इन्हीं के समय हुई, और कॉमनवेल्थ अवार्ड ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर थे रामसे मैकडोनाल्ड उनके द्वारा शुरू किया गया वेलिंगटन के समय में। नेक्स्ट लिनलिथिको, लिनलिथिको के समय में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पास हुआ था, और इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट की थी, लिनलिथिको के समय की थी, और क्रिप्स मिशन भी लिनलिथिको के समय आया था। नेक्स्ट था बैवल, तो बैवल के समय कुछ खास नहीं हुआ था, सिर्फ ये था कि इंटरिम गवर्नमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फॉर्म कर ली थी। लास्ट में आया था माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल फ्री इंडिया का माउंटबेटन था। इसके अलावा कुछ नहीं है दोस्तों, अभी ये हमने एक ओवरव्यू लिया, और नेक्स्ट हम बात करेंगे जो हमने पॉइंट जो एक्ट्स आए थे। 1861 में एक्ट आया मार्लेमेंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और 1881 का एक्ट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।